So hello students and friends, welcome to Torque Institute. So our today's topic is find out the cube root of any number and mind within seconds. So हमने पिछले लेक्चर में वीडियो बनाई थी स्क्वायर रूट्स के ऊपर. So इस लेक्चर में हम जानेंगे कैसे हम क्यूब रूट्स को कुछ ही सेकंड्स में माइंड में निकाल सकते हैं. So स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमें जैसे स्क्वायर रूट में जरूरत पड़ी थी 1 से 10 तक के स्क्वायर याद करने की, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी हमें जरूरत पड़ेगी 1 से लेकर के 10 तक के ग्रुप्स हमें याद रखने जरूरी हैं पहले. सो पहले मैं बता दूं 1 का क्यूब हमें पता है 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000. ओके, उसके लिए ट्रिक बता देता हूँ आपको कैसे याद करना है. सो आप 1 का देखिए लास्ट डिजिट 1 ही आ रहा है, 2 और 3 को भी छोड़ो 4 का 4 ही आ रहा है, 5 का 5 ही है, 6 का 6 ही है, 7 8 को भी छोड़ो 9 का 9 ही है, 10 का 10 सॉरी 0 का 0 ही है. सो अभी 2 है और ये 8 है, दोनों को प्लस करो कितना बनता है 10. 3 है 7 है, दोनों को प्लस करो कितना बनता है 10. सो आप 10 के कॉम्बिनेशन से याद रख सकते हो. 2 है तो क्या प्लस करेंगे 10 आएगा 8, 2 का 8. 3 है तो क्या प्लस करेंगे 10 आएगा 7, 3 प्लस 7 क्लियर है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6. अब 7 में क्या प्लस करेंगे 10 आएगा 3, 8 में क्या प्लस करेंगे 10 आएगा 2, 9 का 9 क्लियर है. सो आप कॉम्बिनेशन याद रख सकते हो 7 और 3 का और 8 और 2 का, बाकी जो यहाँ पे नंबर है उसका लास्ट डिजिट भी वही होगा क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, क्यूब रूट निकालेंगे हम. इसे निकालने के लिए जैसे हमने स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट देखा था, इसमें भी लास्ट डिजिट देखेंगे. इसका लास्ट डिजिट क्या है 6. सो देखिए किसके लास्ट डिजिट में किसके क्यूब में लास्ट डिजिट 6 आता है, 216 के लास्ट में 6 आता है. मैं इतना आपको बता दूं यहां पे कोई भी नंबर लास्ट डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, स्क्वायर्स में रिपीट हो रहे थे हम दो-दो ले रहे थे, यहां पे एक ही मिलेगा. 1 एक बार है, 8 एक बार है, 7 4 5 6 3 2 9 0 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है. सो इट्स इजीियर देन स्क्वायर रूट, ठीक है. तो 6 किसका है क्यूब 216 का, तो लास्ट डिजिट इसका 6 है, तो हम ये वाला कंसीडर कर लेंगे नंबर 6. सो 6 इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस क्यूब, हमें 6 नंबर मिल गया. अब हमें क्या करना था, जैसे हम स्क्वायर रूट में क्या करते थे लास्ट रूट डिजिट्स को इग्नोर करते थे, वैसे हम क्यूब रूट में लास्ट 3 डिजिट्स को इग्नोर करेंगे. क्या बचा 17, 17 या 17 से छोटा क्यूब कौन सा है, देखो टेबल में 17 से छोटा क्यूब आ रहा है 8 का, क्योंकि 27 बड़ा हो जाता है 8 का, 8 आ रहा है क्यूब, 8 किसका क्यूब है 2 का. सो हमें नंबर मिल गया 2, हमारा रिक्वायर्ड क्यूब रूट है 26. सो 26 इज द क्यूब रूट ऑफ 17576. क्लियर, एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं. इसका लास्ट डिजिट देखिए क्या है 9 है. यहाँ पे देखो किसका लास्ट डिजिट 9 है 729 का, ये किसका क्यूब है 9 का. सो हमें नंबर मिल गया 9 क्लियर है. अब लास्ट 3 डिजिट को हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे. अब क्या बचा 328 से छोटा देखो किसका क्यूब है
320 343 बड़ा हो रहा है ग्रेटर है हमें क्या आंसर नंबर मिला 216 सो 216 इज लेस देन 328 तो हम यहां पे कौन सा नंबर ले लेंगे 6 6 का है ये क्यूब क्लियर है तो 69 इज द क्यूब रूट ऑफ 328509 क्लियर है अब हम डायरेक्ट निकालेंगे कुछ नंबर मैं लिख देता हूं अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है 2 कौन देखो इसमें किसके लास्ट में आ रहा है 512 किसका है 8 का 8 लिख दो यहां पे उसके बाद 3 को इग्नोर करो क्या बचा 54 यहां से छोटा कौन सा हो रहा है ये 64 है 27 तो क्या लगा देंगे हम यहां पे 3 38 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस क्लियर है अब ये देखो इसका लास्ट रूट क्या है 9 किसके लास्ट में है 9 के 3 छोड़ो क्या बचा 970 से छोटा कौन सा है 729 किसका है 9 का सो 9 लगा दो यहां पे 99 है सर ये वो क्लियर है यहां पे 7 किसका है 7 किसका है 27 3 का 3 लगा दो उसके बाद 3 डिजिट्स हटा दो क्या बचा 148 से छोटा कौन सा है 125 किसका है 5 का So 53 is the cube root of 148877. Clear it? So that's all. I hope आपको ये सब कुछ समझ आया होगा. अगर फिर भी आपको कोई doubt है, तो आप comment box पे जरूर comment करिए. अगर आपको video अच्छी लगी है, तो अच्छी बात है, तो सबको share कर दीजिए अपने friends को भी, ताकि easily कोई भी square root या under root या cube root निकाल सके. Thank you.